अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी देखने वालों को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि बच्चों की स्किन के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों से बात करूंगी। बच्चों की स्किन दरअसल होती है इग्नोर ऐसे होती है कि हम बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते, बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते। स्कूल गोइंग है बच्चे, ट्यूशन गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो इन सबकी स्किन बहुत डल हो जाती है। गोरे रंग को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन जो बच्चों की एक्चुअल स्किन है एटलीस्ट वो तो रहे बच्चों की। तो ये है कि आयशा सा की बहुत ज़्यादा स्किन जो है डल हो गई। मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी हाथ पैरों के हिसाब लिए, तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करी होगी। मैंने आयशा अफ्सा के वो मैं रूटीन से करती हूँ, हफ्ते में 2 मरतबा लाजमी करती हूँ। तो ये है कि आयशा अफ्सा के हाथ पांव बहुत इम्प्रूव हुए हैं, साफ हुए हैं। कि बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं या कहीं आप बाहर जाते हैं कहीं पर भी, तो ये है कि सन एक्सपोजर्स की वजह से बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, बहुत ज़्यादा। हम बड़ों की भी हो जाती है और बच्चों की भी हो जाती है। तो बच्चों की स्किन के बारे में कोई भी बात नहीं करता, कोई टिप्स नहीं देता, कोई कुछ नहीं बताता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं बच्चे जो इस उम्र के हैं, 5-6 क्लास के जो होते हैं या उससे छोटे बच्चे जो होते हैं। तो जो आज मैं आप लोगों को रेमेडी बताने वाली हूँ वो आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं 6 मंथ से लेकर 12-13-14 साल के बच्चों के आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चीज़ें बताऊँगी, 1 ड्रिंक बताऊँगी, 1 आपको क्लिनज़र बताऊँगी और 3रा आपको नाइट क्रीम बताऊँगी। बहुत अच्छी, आप अप्लाई करना शुरू करें, उसको ट्राई करें तो लाजमी आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आयशा अफ्सा की वो कर रही हूँ 4-5 दिन से, क्योंकि पहले पता नहीं था कुछ, वो तभी सर्च करा, चीज़ें निकाली, देखा, पहले अपने ऊपर थोड़ा बहुत ट्राई करा, फिर बच्चियों के ऊपर ट्राई करा। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई केमिकल नहीं है कि आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई आपको ये लगेगा केमिकल बच्चों के फेस पे लगा रहे हैं या बच्चों के फेस पे फिर मसला होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे इनकी स्किन डल होगी और ज़्यादा इनकी स्किन इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहले मेरे पास ये दूध है, ये आपको दूध नज़र आ रहा होगा, कच्चा दूध इस्तेमाल करना है। और अगर जैसे कच्चा दूध किसी के पास नहीं है, डिब्बे का दूध है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कच्चा दूध मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट इससे आपको मिलेगा। ये रहा कच्चा दूध है, ये पकड़ो सर। और ये है ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन है, ये है ग्लिसरीन। इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, ग्लिसरीन के फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे इसके अंदर। और आपको बताए दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो इससे फेस की जो ये रंगत निखारने के लिए ये इस्तेमाल होता है लाजमी। और जो ग्लिसरीन है ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, जो हम फेस पे इसको डालकर और फिर मिलाकर लगाएंगे, तो इन दोनों का बहुत अच्छा मिक्सचर है जो हम फेस पर बनाने वाले हैं। और आयशा अफ्सा के फेस पर मैं ये करती हूँ रात में। अब ये रूटीन आप रात में फॉलो कर सकते हैं, अगर बच्चे बाहर नहीं जा रहे तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर आयशा अफ्सा के ही रात में करती हूँ। ये देखें, बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स डाल लूँगी, ये बन करो आयशा कॉटन। अब ये कॉटन बॉल है, कॉटन है, इसका आपको बॉल बना लेनी है। ये कॉटन है, देखें, इसका आपको ऐसे करके बॉल बना लेना। मैंने काफ़ी सारे बॉल बनाकर रखे हुए हैं, वो मेरे ख़त्म हो गए थे क्योंकि बच्चियों के हाथ पैरों पर भी क्लीनिंग वगैरह करने पर नहीं करानी। तो गाइस ये मैंने बना लिया, ये देखें। और बस अब ये कॉटन बॉल मैंने इसमें डाल दी और ये मैं अब इनके करूँगी क्लीनिंग। थोड़ा करती है कि स्मेल आ रही है और ये हो रहा है वो रहा है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती दोनों के फेस पर करती हूँ। आयशा आए जी, बिल्कुल आपने खुद करना है, बच्चे नहीं करते ना, बच्चे करवाते हैं। ऐसे करते हैं, डांस बोल कर ही दिया मैंने। चलो वो कलर सही लग रहा है, सांस ले सकते हैं दूध के स्वाद में। अभी मम्मा यहाँ लगाएंगे ना, फिर आएगी क्या? रोज़े वाला दूध लग रहा है, लग रहा है और 5 मिनट के लिए छोड़ दे, ये अच्छे से क्लींस हो गई इनकी स्किन। अब ये मैं लगाऊंगी हफ्सा के, हफ्सा आ जाए थोड़ा करीब, हफ्सा ये लगेगी हफ्सा के, लग रहा है ना हफ्सा? मैं यहाँ पे भी आ गया, ठीक है? कच्चा दूध मेरी है ये। ये दोनों के अच्छे से मैंने क्लींजिंग कर दी। अब बारी है क्रीम की, जो के लगानी है रात में। अब वो क्रीम मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लगानी है।
तो गाइस अब मैं बनाऊंगी नाइट क्रीम जो बच्चों को रात में लगानी है, ठीक है। और आप खुद लगाइएगा अच्छे से करके। ये मैं सबसे पहले लोशन, कोई भी बेबी लोशन जो हो, जो बच्चे यूज़ करते हो और उनकी स्किन को सूट करता हो, वो आपने लेना है। वो तकरीबन आपको 2 स्पून लेना है। ये मैं 2 टीस्पून लेती हूँ तो वो चल जाता है, 3-4 दिन आराम से चल जाते हैं वो। तो ये मैं लूँगी 2 टीस्पून। अच्छा ऐसे पकड़ो, ऐसे भर के एक, अब दो, ये दो। अब इसमें हम डालेंगे एवियन के कैप्सूल, एवियन का एक कैप्सूल डालना। और ये है लेमन, आपके पास अगर लेमन ऑयल हो या ऑरेंज ऑयल हो, या आपको फिर डालना पड़ेगा फ्यू ड्रॉप्स इसमें लाजमी डालने हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेमन एक्सेस जो होता है, और लेमन और जो लेमन और ऑरेंज जो एक्सेस होता है, वो आपकी स्किन की ब्राइटनेस के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, ऑरेंज का ऑरेंज ऑयल है मेरे पास, फ्यू ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स मैंने इसमें वो डाले हैं, और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन है उसके फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स इसमें ग्लिसरीन के जाएंगे, और ये मैं भी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, बहुत अच्छी बनी है। कंटेनर में इसको सेव करके रखें, कुछ नहीं होगा, कोई ख़राब नहीं होगी, अच्छे से करके। आयशा आए, ये अच्छे से बिल्कुल इनके फेस पे अप्लाई करना है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा आप ऐसे मसाज कर दो खुद से, खुद से जरा सही हो जाता है ना। लास्ट में मैं इनके ऐसे हल्का सा पूरे फेस पे कर देती हूँ, फिर दोनों आहिस्ता आहिस्ता खुद मसाज करती हैं। साथ में इनकी स्किन ये सुबह इतना फ्रेश हुई भी होती है दोनों बहनों की, कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बैकग्राउंड में आपको सुफियान और अफगान की लड़ने की आवाज आ रही होगी। चलो सुफियान, गलत बात है, मारो नहीं भाई को, वो देख रहा है, खड़े रहने दो उसको, खड़े रहो। अच्छा आप नहीं मारो उसको, नहीं मारो, नहीं बोलो कुछ भी। तो गाइस, आप लोग लास्ट में इस्तेमाल करिएगा, और आपने ड्रिंक भी देख ली कि ड्रिंक कैसी है, और फिर आपने क्लिंजर भी देख लिया, क्लिंजर कितना अच्छा है, और ये नाइट क्रीम भी देख ली, रात में बच्चों के लगानी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाजमी लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों से मेरी वीडियो शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।